नमस्कार, सुनीतास किचन में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी हम लेकर आए हैं आपके सामने टोमेटो सूप। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी बन जाता है और जाड़ों में टोमेटो सूप पीने का आनंद ही कुछ और है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। टोमेटो सूप बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, चलिए देखते हैं। ये आधा किलो टमाटर रेड कलर के हैं, फ्रेश टमाटर है। ये ध्यान रहे कि रेड कलर के ही आप टमाटर लीजिए और ये बहुत अच्छे बनेंगे। और ये हमने थोड़ी सी धनिया ली है, एक हरी मिर्च और एक गाजर और छोटा सा आलू लिया था, उसको मैंने काट लिया है, पानी से धोकर रखा है। और एक टुकड़ा अदरक का, इसको भी मैंने छील कर धोकर रखा हुआ है। सादा नमक, एक तेज पत्ता है और दो लौंग ली है, चीनी, काली मिर्च पाउडर, बटर, नींबू का रस, क्रीम, ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनको काट कर मैंने इसको डीप फ्राई कर लिया है। ये टोमेटो सूप बनने के बाद ये गार्निश करने के लिए इसको उपयोग करेंगे। पानी, तो चलिए टोमेटो सूप बनाना शुरू करते हैं। अब एक बाउल लेंगे और इन टमाटरों को काटेंगे। देखिए पहले ऊपर का ये हिस्सा होता है वो हटा देंगे। अब इन टमाटरों को देखिए हमने काट लिया है। अब एक गाजर लिया था वो भी इसी में काट लेंगे। अब अदरक को भी काट लेंगे। कुकर चढ़ा दिया है, कुकर गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक चम्मच बटर डालेंगे। अब इसमें एक चम्मच हम बटर डालेंगे। बटर की जगह आप देसी घी भी ले सकते हैं, जो आप चाहें। बटर को मेल्ट हो जाने दें। अब इसमें डालेंगे एक तेज पत्ता, दो लौंग। अब इसको भून लेंगे। अब हम डालेंगे जो टमाटर, अदरक और गाजर काट के रखी थी वो सारी चीज़ें कुकर में डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब ये देखिए भुन रहा है। अब इसमें डालेंगे ये धनिया, आलू जो काट कर रखा था वो, और एक मिर्च को भी काट कर डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक और फिर मिला देंगे। देखिए टमाटर हमारे गलने शुरू हो गए हैं नमक डालते ही। और इसमें डालेंगे एक गिलास पानी। और अब हम कुकर को बंद कर देंगे और इसमें तेज आंच पर हम इसमें 4 से 5 सीटी लगाएंगे। कुकर ठंडा हो गया है, अब हम खोल कर देखते हैं। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसको मिक्सी में पीसेंगे। इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। आप ध्यान रखिएगा कि इसको गरम गरम मत पीसिएगा, नहीं तो आपकी मिक्सी का ढक्कन खुल जाएगा। बिल्कुल ठंडा करने के बाद इसको पीसना है। देखिए हमने इसको ठंडा कर लिया है, मिक्सी के जार में डाल लिया है। अब हम इसको बंद कर देंगे और इसको पीसेंगे। अब हम इसको पीस लेंगे।
अब हम इसको छानेंगे। ये देखिए छानने के बाद इतना निकला है, आप इसको फेंकिए, गए नहीं है किसी सब्जी में इसको यूज कर लीजिएगा। कढ़ाई चढ़ा दी है और जो हमने ये टमाटर को छान कर इसका रस निकाला था अब हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसको उबालेंगे लगभग 3 मिनट तक और इसमें अब सारी चीज़ें मिलाते हैं। मीडियम फ्लेम पे इसको उबालेंगे, डालेंगे काला नमक, 1 छोटा चम्मच चीनी, चीनी आप पीसी भी ले सकते हैं जो आप चाहें, 1/4 चम्मच काले मिर्च पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और इसको उबालेंगे। 1 चम्मच नींबू का रस। अब इसमें डालेंगे क्रीम। ये देखिए टोमेटो सूप हमारा बनकर तैयार है, बहुत अच्छा बना है, कलर वगैरह बहुत अच्छा आया, स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। हो गए हैं, अब गैस को बंद कर देते हैं। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। देखिए टोमेटो सूप गरम गरम ही अच्छा लगता है, थी ये इसमें गार्निश करेंगे। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है, आप इसमें इसको गर्मा गर्म सर्व करिए, बहुत ही अच्छा लगे। जाड़ों में तो ये गर्म गर्म पीने में बहुत ही मज़ा देता है। टोमेटो सूप हमारा बनकर तैयार है, एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी ऐसे ही नई नई रेसिपी लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। नमस्कार।